एक क्वेश्चन है, शिलोंग गेट्स लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन द ईयर व्हाइल चेरापुंजी रिसीव्स मोर देन 1250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर। इसी तरह से तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जी बोलो। व्हाई डज सेंट्रल महाराष्ट्र हैव ओनली अ लाइट रेनफॉल। सेंट्रल महाराष्ट्र हैव लाइट रेनफॉल, दोनों का कारण एक पहाड़ का होना है, ठीक है। अगर पहाड़ नहीं हो तो दोनों जगह इक्वल बारिश होगी। अब हम लोग जरा सा पहले शिलोंग और चेरापुंजी को पता कर लेते हैं। शिलोंग और चेरापुंजी दोनों मेघालय में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का कैपिटल शिलोंग है और चेरापुंजी नीचे वाले पार्ट में है। तो इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आपके पास एक किताब बता रहा है, जब पढ़ेंगे कि भारत में रेन के कितने ब्रांचेज हैं, दो ब्रांच है, पहला कौन है अरबियन सी ब्रांच, दूसरा कौन है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के निकट है मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना भैया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप जब पढ़ेंगे कि यह पूरा ब्रह्मपुत्र वैली के अंतर्गत आता है, यानी बारिश होगी तो एक समान सभी जगह होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गारो और खासी हिल्स मेघालय में पाया जाता है, शिलोंग और चेरापुंजी भी मेघालय में, लेकिन शिलोंग गारो और खासी हिल्स के नॉर्दर्न पार्ट में और गारो और खाली खासी हिल्स के सदर्न रेंज में कौन सा प्लेस है, चेरापुंजी और मासिन राम है। तो चेरापुंजी और मासिन राम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वार्षिक रूप से होती है। पहले मासिन राम में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब चेरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इसका जो वजह है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो रेन को होल्ड करके लाता है इंडिया में, खास करके नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो गारो और खासी हिल्स उसको रोक देती है। इसके कारण इधर ही बारिश हो जाता है, किस साइड में, चेरापुंजी और मासिन राम साइड में। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके नॉर्थ में शिलोंग तक नहीं पहुंच पाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं होती है। तो तुम देख लो, जब इंडिया का मैप देखोगे तो कि इंडिया के इस मैप में यहाँ पर अरबियन सी के पास कौन सा माउंटेन है, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट का दो पार्ट हो गया, एक रेन साइड जो एक है लीवर्ड साइड। तो पूरा जो सेंट्रल महाराष्ट्र है, कोंकण रीजन है, गोवा से लेकर कर्नाटक होते हुए केरल तक, उसके राइट साइड में यानी कि ईस्टर्न पार्ट लीवर्ड साइड होता है। तो लीवर्ड साइड होगा तो उधर बारिश जाएगी नहीं। तो अरबियन सी ब्रांच में बनने वाला मॉनसून, मॉइस्चर लेडन जो रेन होता है, मॉइस्चर लेडन विंड होता है, जो रेन बनता है वो सीधे जो पार्ट ऑफ केरल, पार्ट ऑफ कर्नाटक और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र जो वेस्टर्न है, इधर ही बारिश करते हुए मुंबई के रास्ते से इंटर कर जाता है रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, लिटिल पार्ट ऑफ राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और मूव करता है इधर से कट लेना है। यहाँ पर राजस्थान में अरावली रेंज है, लेकिन अरावली रेंज के ऊपर से इंटर कर जाता है। यह एक बहुत बड़ी वजह है कि थार एक डेजर्ट हो गया, उधर कुछ नहीं उसको बिगाड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल के पास आता है और उधर माउंटेन रेंज है हिमालय, उसको रोक देता है। पाकिस्तान ने